नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ से है, जहां बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र की कप्तानगंज थाना के मठ गोविंद गांव में एक दर्जन से अधिक लोगों ने जामुन के पेड़ काटने को लेकर तहसील परिसर में आज प्रातः जिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्या और बुढ़नपुर के क्षेत्रीय वन अधिकारी वीर बहादुर सिंह को ज्ञापन सौंपा, साथ ही न्याय की गुहार लगाई। प्रार्थी का आरोप है कि मेरी पुश्तैनी जमीन पर मेरे पिता द्वारा 30 वर्ष पूर्व जामुन का पेड़ लगाया गया था, जो अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जिस पेड़ को स्थानीय पुलिस और हल्का लेखपाल की मिलीभगत से ग्राम प्रधान व उनके परिजनों ने बिना किसी अधिकारी के परमिशन के ही हरा पेड़ कटा लिया है, जिसका विरोध प्रार्थी द्वारा किया गया तो उसे मारने के लिए और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के राधेश्याम यादव का आरोप है कि पुलिस प्रशासन और हल्का लेखपाल की मिलीभगत से जामुन का पेड़ काट लिया गया है, जो कि 30 वर्ष पुराना है। उन्होंने बताया है कि जिसे हमारे पिताजी ने पुश्तैनी जमीन में लगाया था, जब इसके संबंध में मेरे द्वारा स्थानीय थाने पर शिकायत की गई तो पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि मुझे ही प्रताड़ित किया गया, साथ ही फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जा रही। इसके संबंध में मेरे द्वारा जिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी को प्रार्थना पत्र और ज्ञापन सौंपा गया है, साथ ही कार्रवाई की भी मांग की गई। इस संबंध में जिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य ने बताया कि संबंधित विभाग को प्रार्थना पत्र भेज दिया जाएगा, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है पीड़ित ने, आप सुनिए। क्या नाम है? हमारा नाम नागेंद्र यादव है, हम राधेश्याम यादव के लड़के हैं। हमारा घर जो मठ गोविंद है, और हमारे आबादी में जो हमारा पेड़ था जामुन का 20-25 वर्ष पहले का लगाया हुआ था, उसको जो प्रधान दबंग है जो है और लेखपाल और पुलिस बल के नाम जो है प्रधान जो है हमारे महिला प्रधान उनके ससुर हरिराम यादव जी हैं, और दबंगई से उसको कटवाए, जो जबकि हमने मना किया कि पेड़ क्यों काट रहे हैं, कोई आदेश है तो उन्होंने आदेश नहीं दिखाया। हमने कहा अगर आदेश हो तो काट लीजिए, लेकिन वो आदेश नहीं दिखाया, ज़बरदस्ती और पुलिस बल के प्रयोग से उसको काट लिया गया। जब हम उसकी वीडियो बना रहे थे तो हमारी मोबाइल पुलिस बल छीन ली और उसको डिलीट करवा दी। जो वीडियो वायरल हुई थी वो जो है हमारे पास संलग्न है इसमें। हम शिकायत किए हैं वन विभाग अतरौलिया जो है यहाँ पे बुढ़नपुर दिए हैं, और जी वन विभाग द्वारा अभी आश्वासन दिया गया है, इस पर कार्रवाई होगी जो है। क्या आश्वासन मिला वन विभाग? सरकार द्वारा जो है पेड़ लगाया जा रहा है इसका जो है, लेकिन प्रधान दबंग हरिराम यादव जो है इसको पुलिस बल के प्रयोग से उसको कटवा दिए जो है। सरकार चाह रही है पर्यावरण जो है शुद्ध रहे, पेड़ लगे, लेकिन ये दबंगई से हरिराम यादव जो है ग्राम प्रधान हमारे वो कटवा दिए पेड़ को। वहाँ सर नेपाल थे, पुलिस बल था और प्रधान जी थे जो है, सब लोग थे। हम आदेश मांगे लेकिन दिखाए नहीं और ज़बरदस्ती काट लिए जो है इसको। हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो जो है।